बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक सच्ची और सबक आमोज कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलें कहानी की तरफ आते हैं। हमारे गांव से शहर 8 किलोमीटर दूर था। अच्छी डिग्री होने के बावजूद नौकरी भी हमसे कोसों दूर थी। मजबूरन दूसरे गांव वालों की तरह मैं भी शहर वाली फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन हमारी शिफ्ट रात को शुरू होती थी, इसलिए सर शाम ही मैं गांव से निकल जाता। कभी कभार मुझे देर भी हो जाती थी। इसकी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना और ख़तरनाक जंगल थी, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए हम गरीब मजदूर किसी जंगली जानवर या डाकुओं की परवाह किए बगैर बिला नागा फैक्ट्री में हाजिरी देते थे, जिससे घर का चूल्हा चलता था। फैमिली के अफराद तो माशाल्लाह कसरत से थे, लेकिन कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कंधों पर थी। भाई बहनों की तो फौज थी, ऊपर से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी मैं ही था। ग्रेजुएशन के बाद तालीमी सिलसिला रुक गया और मजदूरी का सिलसिला चल पड़ा। नौकरी के पीछे काफ़ी वक्त ज़ाया किया। पता नहीं सरकार अखबार में नौकरी के इश्तहार क्यों देती है। मुझे तो अखबारी नौकरी तलाश करने में शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा, और आखिरकार थक हार के शहर की फैक्ट्री में डेली वेजेस पर मजदूरी मिल गई। इस तरह वक्ती तौर पर मेरी ज़िंदगी से बेरोज़गारी का भूत फ़िलहाल टल गया। 8 किलोमीटर का तवील सफ़र पैदल ही काटता था। वैसे तो जंगल में बेज़रर किस्म के जंगली जानवर फिरते रहते, लेकिन रात के सन्नाटे में बड़े से बड़ा पहलवान भी यहाँ सफ़र करने से कतराता था। मेरी शिफ्ट रात 8 से सुबह 8 तक चलती थी। कभी कभार बिजली की लोड शेडिंग की वजह से आधी रात को ही छुट्टी मिल जाती। मैं कभी शहर में किसी दोस्त के यहाँ ठहरता और कभी कभार अपने घर की राह लेता था। मैं भी इंसान हूँ, डर तो लगता था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में डर कर घर में बैठ जाना नामुमकिन था। मैं आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए जंगल से गुजर जाता। जंगल से हर सू जंगली भेड़ियों की ख़तरनाक आवाज़ें आती थीं। मोटरसाइकिल या साइकिल ख़रीदने का बजट भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा खामोशी से दिहाड़ी लगा रहा था। आज तो सारे शहर में लाल झंडे नज़र आ रहे थे। अरे हाँ, आज तो हमारा दिन मनाया जा रहा था, जिसे लोग मजदूर डे कहते हैं। एक बहुत बड़े जलसे में दरबारी किस्म के मजदूर एक सियासतदान साहब को घेरे में लिए नारेबाजी कर रहे थे, और वो मौसूफ टाइस पर बड़े जोश से तकरीर फरमा रहे थे। मैं कंधे उचकाते हुए फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। सच तो ये है कि आज के दिन भी हम मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं, तो फिर ये दिखावा किस लिए। सदियों से हम मजदूरों की हालत नहीं बदली, और ना ही हालात। लगता है सारी दुनिया के मजदूर अपनी महरूमियों पर न जाने कब तक नूहा ख्वाह होते रहेंगे। आखिर हालात कब बेहतर होंगे। एक रात फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी हो गई। मैं पैदल ही गांव चला आ रहा था। रात मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई हस्पे मामूल सड़क वीरान थी। चलते चलते मैं एक जगह रुक गया। सड़क की दाएं तरफ वाली झाड़ियां हिल रही थी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है कोई मुसीबत में हो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। डरते डरते मैंने झाड़ियों का रुख किया। मुझे करीब पाकर झाड़ियों में छुपा एक अचानक खतरनाक सांप नमूदार हो गया। उफ खुदाया, इतना बड़ा सांप मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने शहर के सिनेमा घर में एनाकोंडा सीरीज़ की सारी मूवी देखी हुई थी, लेकिन हकीकत में इतना बड़ा सांप हो सकता है? मेरा तो सर चकरा गया। वो गुस्से से जुबान बाहर निकालकर मुझे अपना निवाला बनाने के लिए मेरी तरफ तेजी से लपका। पहले तो मैं बेलगाम घोड़े की तरह वहां से भाग निकला। काफी देर तक वो मेरा पीछा करता रहा, लेकिन फिर गांव की हदूद शुरू होते ही वो सांप गायब हो गया। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, अब वहाँ कोई नहीं था। तब मेरी सांसें बहाल हुईं। खौफ के मारे खामोशी से आकर मैं बिस्तर पर गिरा और बाकी रात उस सांप के बारे में सोचते हुए गुजार दी। मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। गांव के हकीम साहब ने मुझे दवाई दी, आराम करने को कहा, लेकिन हमारी किस्मत में आराम कहा था। मैंने रात वाली बात सबसे छुपाई कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। पेश इमाम साहब से डर का तावीज़ भी लिया। पूरा दिन आराम किया, शाम को फिर से काम पर चल निकला। पहले तो इतना डर नहीं लगता था, लेकिन रात अपनी आंखों से इस बला को देखा था, इसलिए मैं पहले से ज़्यादा मोहतात हो गया था। हथियार तो मेरे पास नहीं था, अलबत्ता एक अदद मजबूत डंडा ज़रूर उठा लिया था। आज जंगल काफ़ी पुरसकून था।
मैं खामोशी से वहाँ से गुजर गया। रमज़ान की आमद आमद थी, सब लोग इस बाबरकत महीने की तैयारियों में मसरूफ थे। आज हमारी फैक्ट्री के मालकिन दफ्तर आई हुई थी, मैंने उससे मिलने की अर्जी पेश की। वो एसी कमरे में मुख्तसर लिबास में मलबूस कुर्सी पर विराजमान थी। उन्होंने मुझे देखकर अपनी सरगर्मियां तर्क कर दीं, शायद मुझे कोई और मखलूक समझ रहे थे या मेरी गुर्बत पर तजर्बे की तैयारी कर रहे थे। फैक्ट्री की मालकिन ने पहले तो मेरी जूतियों पर नज़र डाली और इसकी मगरूराना नज़र मेरे कपड़ों से होती हुई उसके सामने पड़े बड़े से टच मोबाइल पर पड़ी। शायद कोई कॉल आ रही थी, उसने घंटा भर वो कॉल अटेंड की। वो सामने वाले से ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बात कर रही थी, शायद मुझे अनपढ़ समझ रही थी, लेकिन मैं तो ग्रेजुएट था। वो किसी अमीरजादे से डिनर के बारे में बात कर रही थी और मेन्यू फिक्स नहीं हो रहा था। मैं घंटा भर खड़े खड़े पक गया, कैसे बदतहजीब लोग थे। आखिर में उसने कॉल काट दी। मोहतरम एक्स वाई जी, आप हमसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? सॉरी मैम, मेरा नाम अजीज़ खान है। और इसने मेरी बात को दरमियान में ही काट दिया और अकड़ कर बोली, सुनो मिस्टर, मेरे पास टाइम नहीं, काम की बात करो। वही तो कर रहा था, लेकिन शायद वो मुझे मस्तूर होने का एहसास दिला रही थी और ख़ुद को मालकिन। मैम, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है और ये महीना बड़ा बाबरकत है। मैं दिन में रोज़े और रात को इबादत करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी शिफ्ट की टाइमिंग में कुछ नरमी कर दी जाए ताकि मेरी इबादत में खलल ना पड़े, तो मैं आपका मशकूर रहूँगा। और काम में खलल पड़े तो पड़े। देखो मिस्टर खान, ये एक प्राइवेट फैक्ट्री है, यहाँ काम करो या इबादत, चॉइस इज़ योर्स। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया कि कैसी तहजीब परवान चढ़ रही है। दुनिया दीन से आ रही ये सरमायादार एक इस्लामी मुल्क की शहरी हैं और मुझसे ये सलूक एक सवालिया निशान था। वैसे हमारे गांव और फैक्ट्री के दरमियान अच्छा खासा फासला था और मेरे जहन में रहता था कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। मैं बिला डर खौफ रोज़ाना फैक्ट्री से काम निपटाने के बाद घर आ जाया करता। वो दूसरी या तीसरी रात थी जो मैं अपनी ड्यूटी से फारिग होकर आ रहा था कि मेरी नज़र रास्ते से हटकर पड़ी तो मैंने महसूस किया कि कोई बुज़ुर्ग हैं जो बैठे हैं। और वैसे मैं रोज़ाना रात को ये ज़रूर महसूस करता था कि एक मखसूस जगह पर कोई बैठा होता है। खैर, मैं मखसूस जगह पर पहुंचा तो आवाज़ सुनाई दी, अज़ीज़ बेटा ज़रा इधर आना, एक साहब की मदद करनी है। अपना नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा कि इस अंधेरी और मिली जुली चांदनी रात में क्या कोई मेरा नाम जानने वाला है जो कि मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। मैं जल्दी जल्दी मतलूबा जगह पर पहुंच गया तो देखा कि वहां एक कार खड़ी है और इसके करीब एक अमीर कबीर शख्स और पास ही एक बुज़ुर्ग खड़े हैं। बुज़ुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी तो बुज़ुर्ग बोले, अज़ीज़ बेटा, सेठ साहब की गाड़ी रुक गई है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आओ ज़रा धक्का लगा कर देखते हैं कि शायद ये स्टार्ट हो जाए। और फिर हम तीनों ने मिलकर जब गाड़ी को धक्का लगाया तो फौरन स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी वाले साहब बुज़ुर्ग से बोले, मोहतरम बुज़ुर्ग, आपका बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। ये सुनकर बुज़ुर्ग बोले, सेठ साहब, कर भला तो हो भला, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर और खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आप जाएं और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा करें। इसके बाद कार वाले साहब ने बुज़ुर्ग और मुझसे सलाम किया, शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में बैठकर चले गए। इसके बाद बुज़ुर्ग मुझसे मुखातिब हुए, अज़ीज़ बेटा, बड़े लोग अक्सर अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन ये साहब ऐसे नहीं लगते, इनके दिल में गरीबों के लिए नरम गोशा है। खैर, अब तुम भी जाओ, अल्लाह भला करेगा। और मैंने बुज़ुर्ग से सलाम किया, वापसी के लिए कदम उठाने लगा कि फिर अचानक मेरे दिल में आया कि बुज़ुर्ग से मालूम तो करूँ, क्या उन्होंने भी कहीं जाना है तो मैं उन्हें इनकी जगह तक छोड़ आऊँ। और जब मैंने मुड़कर देखा तो बुज़ुर्ग अपनी जगह से गायब थे। फिर तो मैं अचनभे में पड़ गया कि पलक चपकते ही बुज़ुर्ग गए तो गए कहाँ। और फिर जब दूसरे दिन मैंने मालूमात की तो पता चला कि इस जगह एक बुज़ुर्ग की कब्र है, इसके सिवा कुछ और नहीं। लोगों का कहना था कि ये कब्र जिन साहब की है वो अपने वक्त के बहुत पहुँचे हुए थे और अब अंधेरी रात में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं। खैर, किसी वर्कर ने मेरी बात फैक्ट्री के मालिक, जो इस लड़की का बाप था, उस तक पहुंचा दी। उस भले इंसान ने दूसरे ही दिन मुझे अपने दफ्तर में बुलाया, अज़ीज़, सारे मज़दूर मेरे दोस्त हैं, मुझे पता चला कि रात मेरी बेटी ने आपसे बहुत बदतमीज़ी की है, जिसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ।
असल में हमारी नस्ल को अपने बुज़ुर्गों की रवायात पर करार रखने में काफ़ी वक्त लगेगा। आप दिन में रोज़े रखें, रात को इबादत। मैंने एक महीने के लिए आपकी छुट्टी कर दी है, अब आप ईद के बाद तशरीफ़ लाइएगा और अपना हिसाब किताब करना। मैं चौंक कर बोला, लेकिन क्यों सर जी? मैं समझा शायद ईद के बाद वो मुझे फैक्ट्री से निकाल देंगे, लेकिन वो हंस कर बोले, अरे मियाँ, मुझे पता है आप ग्रेजुएट हैं, इसलिए ईद के बाद आप लेबर नहीं बल्कि फैक्ट्री के मैनेजर के तौर पर काम करेंगे। अब तो आप खुश है ना? फिर मैंने साहब का शुक्रिया अदा किया और घर आ गया।